हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनन ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। और ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, इट वाज अ न्यू बिगनिंग। आई हैव कम टू कैनेडा फॉर माय फर्दर स्टडीज। यस। एंड तो आई केम बाय इनडायरेक्ट रूट बाय मालदीव्स। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, let me reach to my destination where I'll shoot today's video. 1 minute. Yes, I'm all set. तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने कनाडा के लिए इनडायरेक्ट रूट लिया, क्योंकि कनाडा ने डायरेक्ट फ्लाइट बैन करी हुई थी इंडिया से। तो मैंने डायरेक्ट फ्लाइट बुक करी थी ये सोच के कि शायद बैन हट जाएगा, बट नहीं हटा। तो आई हैड टू टेक द इनडायरेक्ट रूट ओनली। So, I'm so distracted with this view. इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली टू मालदीव्स तक की जर्नी के बारे में बताऊंगी, उससे आगे की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी गिव यू ऑल अ गुड न्यूज़। कनाडा ने बैन अपलिफ्ट कर दिया है, अब इंडियन स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट रूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी जो मैंने फेस करी। एंड दिस इज एज पर माई रिसर्च, अभी ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आई है, मैंने नहीं देखी है। तो प्लीज़ अपने एंड पे पहले क्रॉस चेक कर लेना टिकट्स बुक कराने से पहले। तो चलिए देखते हैं मेरी मालदीव्स की जर्नी कैसी थी। ओके, लेट्स गेट गोइंग। मालदीव्स के लिए मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो मैं रात को निकल गई थी 4 घंटे पहले, क्योंकि कोई रेस्ट नहीं लेना था। आई गेव सम लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस टू पापा, मैंडेटरी है यार, मैं जा रही हूँ, पता नहीं अपनी मर्जी का करेंगे सब कुछ। लास्ट मिनट तक मेरी फैमिली मुझे सरप्राइजेस दे रही थी। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। दिल्ली से मेरी स्पाइसजेट फ्लाइट थी, और जिसमें मेरा एक ही लगेज अलाउड था, एंड सेकेंड के लिए मुझे पे करना पड़ा था, विच वॉज अराउंड 14-15,000। आई नो दैट्स टू मच, बट क्या करे। मेरा जी आए आए इलाही, मेरा जी आए आए। फ्लाइट या ट्रेन में बैठ के घर का खाना ना खाया तो क्या किया। ये मेरा फेवरेट ब्रेड का हलवा है। And Maldives it is, yay! Maldives एयरपोर्ट पे हमें अपने होटल रिप्रेजेंटेटिव का वेट करना था, जो हमें होटल तक लेकर जाने वाला था। एंड डैशेस, इन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला। हमारी फ्लाइट 1 बजे आ गई थी एंड 4 बजे हमारी फेरी आने वाली थी। तो एयरपोर्ट पे हमें वेट करना था, विच वॉज टोटली वर्थ इट। I had some me time at the airport. इतना सुंदर व्यू था, और रॉब और दीपिका का दिया हुआ ये प्यारा सा लेटर। और ये हमारी फेरी एकदम ऑनलाइन थी, हमारा होटल थुलुस्तु आइलैंड पे था। ये आए।
बोट से उतर के हमें ट्रक्स में लोड कर दिया था, और फिर उसके बाद हम होटल पहुंच गए थे अराउंड 10 मिनट्स में, पास नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं था। और फिर उसके बाद हमें वेलकम ड्रिंक्स सर्व की गई थी, एकदम ठंडी ठंडी बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। फिर लिफ्ट एकदम ही ब्लॉक थी यार, तो इसलिए मैंने स्टेयर्स ले लिए। Now let me give you all my room tour. Yay! To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, cause I like me better. फ्रेशन अप होने के बाद हमारा कोविड टेस्ट हुआ था, आरटीपीसीआर टेस्ट, और फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी मैं यहाँ पे, एंड देन ब्रेकफास्ट किया। हमारे पैकेज में 3 मील्स इंक्लूडेड थी, तो आफ्टरनून लंच में टाइम था, तो उसके उससे पहले हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे। बिलीव मी गाइज, यहाँ पे बहुत सारे केकड़े थे, तो जो भी मॉलडीव जा रहे हैं वो केयरफुल रहे। मुझे मेरी फ्रेंड हरसिमरन ने बचा लिया था। ये हमारा लास्ट मील था यहाँ इस होटल में। इसके बाद हमें अराउंड 4 to 5 hours वेट करना था स्पीड बोट के लिए, तो वी वर लाइक क्या करेंगे। बट हमारे शक्तिमान ने ऐसी जगह ढूंढी, मजा आ गया। लेट मी शो यू। व्हाट अ व्यू। पूल में टाइम कहाँ गया ना, कुछ नहीं पता चला। हमारी स्पीड बोट मिस होने ही वाली थी, बट नहीं, बच गए। बैग्स आर लोडिंग एंड वी आर हेडिंग बैक टू द एयरपोर्ट।
फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट एंड विद दिस साइन ऑफ फॉर टुडे. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मालदीव्स एयरपोर्ट पे हम सबकी फट गई थी. ऑलमोस्ट लगा था कि अब तो बस घर वापस होना पड़ेगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस फैमिली दोस्तों का सबका आशीर्वाद प्यार था कि हम उस प्रॉब्लम से भी निकल गए. तो सो स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. ओके सो बाय बाय गाइज़.